व्रत में बनाइए बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट फलारी बिना झंझट के। तो चलिए फटाफट बना दे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं माला मैश्री गैस किचन में आप सभी का स्वागत है। तो एक चम्मच मैंने देसी घी लिया है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो मैंने इसमें 1/3 कप मूंगफली लिया है। इसको अच्छे से इस तरीके से मूँगफली को घी में ही फ्राई कर लेना है। देखिए इस तरीके से बहुत ही टेस्टी चटपटी आपकी बनेगी। और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है, फलारी सब है। अब मैंने इसमें ये लिया है मखाना, ये भी 1/3 कप ही है। इसे भी हल्का सा घी में फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसे भी इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। और घी ये जो बची है, अब इसमें मैंने आधी चम्मच जीरा डाल दिया है और 7-8 कड़ी के पत्ते। इस तरीके से अगर आप कड़ी के पत्ते व्रत में यूज नहीं कर रहे हैं तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने ये 2 बड़े साइज के आलू इस तरीके से उबाल लिए हैं और इसमें ऐड करके इसे हल्का सा इसे भी फ्राई कर लेना है, ताकि आलू फ्राई हो जाएगा तो स्वादिष्ट लगेगा आपका ये व्रत वाली टेस्टी और चटपटी रेसिपी। तो ये मैंने 1/2 कप लिया है। 2 मिर्ची और 1 मुट्ठी धनिया का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, इसमें ऐड कर दिया, ताकि ये कलर बहुत ही अच्छा है, खाने में भी फायदेमंद। और इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी पानी डाल दिया और नमक स्वाद अनुसार, ये सेंधा नमक है। अब इसे अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए इसमें मैंने बस हरी मिर्च और धनिया का ही पेस्ट तैयार किया है। अब इसे अच्छे से चलाकर मूंगफली और मखाने को इसमें ऐड कर लेते हैं और थोड़ी देर इसे पकने देते हैं। आप इस व्रत में खाएंगे 1 कटोरी तो पेट ही भर जाएगा और चटपटा और टेस्टी भी लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बस व्रत वाले ही सामान इसमें यूज किए हैं। ये देखिए इसका कलर और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब मैंने 1.5 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है, ऊपर से कटी हुई धनिया की पत्ती। तो ये देखिए बनके आपका चटपटा और टेस्टी फलारी आलू बनके तैयार हो गया है। और सर्व के लिए मैंने इस तरीके से 1 बाउल में निकाल लिया है। तो बस इस व्रत में जरूर बनाइए और खाइए। थैंक यू।